यूपी की सियासत में बहुओं की लड़ाई। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, बहुओं की ये लड़ाई कोई ऐसी वैसी लड़ाई नहीं है। राजनीति में इन दो बहुओं का अलग ही कैडर है। एक बहू की जहाँ अपनी अलग पहचान है, वही दूसरी बहू अपनी पहचान बनाने के लिए सियासत में जी तोड़ मेहनत कर रही है। हालांकि दोनों बहुएं एक ही खानदान से हैं, दोनों के ससुर भी एक थे, लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि एक बहू की पहचान बड़ी है और दूसरी की छोटी, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले उन दो बहुओं के नाम बता देते हैं जिनकी इस बार लोकसभा चुनाव में टक्कर होने की बात कही जा रही है। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव और बड़ी बहू डिंपल यादव इस बार लोकसभा चुनाव में आमने सामने खड़ी हो सकती हैं। इसके कयास अपर्णा यादव के सीएम योगी से मुलाकात के बाद लगाए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो अपर्णा ने सीएम योगी से मैनपुरी से चुनाव लड़ने की गुजारिश की है, जिस पर फैसला आना बाकी है। एक तरफ जहां अपर्णा यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही हैं, वहीं डिंपल यादव ऐसी किसी खबर से भी अनजान दिख रही हैं। डिंपल का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, और जहां तक चुनाव की बात है तो मैनपुरी सपा का गढ़ है, जहां की जनता ने समाजवादी पार्टी को हमेशा अपना प्यार दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है, लेकिन जैसी पहचान डिंपल यादव की है वैसी अपर्णा की नहीं है। एक ही परिवार की होने के बावजूद अपर्णा को अपनी पहचान बनाने के लिए बीजेपी से जुड़ना पड़ा। जैसा अनुमान था कि बीजेपी से जुड़ते ही उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वैसे कहा जाए तो अपर्णा यादव की एक पहचान केवल मुलायम सिंह यादव की बहू होना है। सियासी सफर में उन्होंने अपने दम पर अभी कोई मुकाम हासिल नहीं किया है, लिहाजा जनता के बीच उन्हें अपनी अग्नि परीक्षा देनी होगी और सियासत की भट्टी में खुद को तपाकर सोना बनाना होगा, तभी वो सियासत के उस शिखर पर पहुंच जाएंगी जिसके उन्होंने सपने संजोए हैं, और आने वाले वक्त में वो डिंपल यादव के बराबर खड़ी हो पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।